हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वॉचिंग एसएमएस क्लास। दोस्तों, आज हम लोग वैसे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं जिसको हम ज्यादातर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा, मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ा, या मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ेगा, तुम्हें पैसे के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए जीना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए हम आगे आपको बता रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़कर जाइएगा नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पे मैंने बताया कि हैड टू का मतलब होता है पढ़ा पढ़ी पढ़े। गाइस ध्यान से सुनिएगा, हैड टू का मतलब होता है पढ़ा पढ़ी पढ़े। अब देखो, पापा की पढ़ी अब ज्यादा खुश ना हो, मैं उस पढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ और उस पढ़ा का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पढ़ा पढ़ी का बात कर रहा हूँ जो काम हम मजबूरी में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दौड़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में आकर मुझे दौड़ना पड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे दिल्ली जाना पड़ा, मतलब वो अपने मर्जी से नहीं गया, कोई मजबूरी रही होगी उनके साथ और वो दिल्ली और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। जैसे महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा, तो क्या महात्मा गांधी अपने इच्छा से गए थे? नहीं ना, एक मजबूरी आई होगी या कोई घटना घटी होगी जिसके वजह से वह जेल गए होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का सेंटेंस जो है वो हैड टू से बनता है। आपको क्या याद रखना है, हैड टू मतलब पढ़ा पढ़ी, और ट्रांसलेशन कोई भी हो, सबसे पहले हम लेफ्ट यानी कि सब्जेक्ट को रखेंगे और बाकी दाहिने से एक एक मीनिंग को रख लेंगे। तो गाइज, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ा, तो सबसे पहले एक लेफ्ट से बनाएंगे, मुझे के लिए लिखेंगे आई, और उसके बाद देखिए इसका पड़ा पड़ी का, उसके बाद दौड़ना का मीनिंग लिखेंगे। तो पड़ा पड़ी का होगा हैड टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड टू, और दौड़ना क्या होगा गाइज, रन। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर होता है कि मुझे बोलना पड़ा, तो गाइज यहाँ बोलना का मीनिंग जो है रन के जगह पर रख देते स्पीक, आई हैड टू स्पीक। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी तरीके से इसको बनाएंगे। कह रहा दूसरा, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा, तो गाइज उसे के लिए सबसे पहले लिखेंगे ही, और फिर उल्टा बनाएंगे इसका पड़ा पड़ी का, फिर बोलना का, फिर अंग्रेजी का। तो पड़ा के लिए हो जाएगा हैड टू, इसका हो जाएगा हे हैड टू, और फिर यहाँ पे बोलना का हो जाएगा गाइज स्पीक, और उसके बाद अंग्रेजी का क्या होगा, तो इंग्लिश हो जाएगा। क्या होगा गाइज, इंग्लिश हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि तुम्हें वहां जाना पड़ा, तो तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे गाइज, यू, और उसके बाद पड़ा पड़ी के लिए लिखेंगे हैड टू। क्या लिखेंगे, हैड टू, और जाना का होगा गो, और वहां का गाइज क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए इसको आप बनाइएगा, या चलिए हम ही बना देते हैं। सबसे पहले तो हम सीता का मीनिंग लिख लेंगे, सीता का सीता हो जाएगा। उसके बाद गाइज पड़ा पड़ी के लिए हैड टू, क्या होगा गाइज, हैड टू, और उसके बाद एक नाचना का मीनिंग लिखेंगे डांस, और यहाँ पे के लिए का होगा फोर, और फिर यहाँ पैसा का गाइज हो जाएगा मनी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे लिखना हो कि उसे दौड़ना पड़ा, तो ही हैड टू रन। उसे रोना पड़ा, ही हैड टू वीप। उसे मेरे लिए रोना पड़ा, he had to weep for me। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, तो ज्यादातर फायदा करेगा, ठीक। चलिए आगे और आपको बता रहा हूं। चलिए अब आगे हम लोग इस तरीके का सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि आपको जीना होगा, आपको मेरे लिए जीना होगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस यदि बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो विल के बाद आप हैव टू का प्रयोग करें कब, जब ना होगा नहीं होगी या नहीं होंगे तब, या फिर पड़ेगा पड़ेगी या पड़ेंगे होगे तब। तो गाइज यदि ना होगा नहीं होगी या पड़ेगा पड़ेगी अगर इस तरीके का आता है सेंटेंस के अंत में, तो गाइज वहां पे आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, और ठीक इसी कॉन्सेप्ट से, इसी ट्रिक से जो है इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे। जैसे कि लिखा है कि आपको जाना होगा, अच्छा आपको जाना होगा यानी आपको जाना पड़ेगा, मतलब आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि यहाँ पे यू होगा। क्या होगा गाइज, यू, और देखिए पड़ेगा या ना होगा के लिए यू के साथ विल हैव टू। क्या होगा गाइज, यू विल हैव टू, और देखिए यहाँ पे जाना लिखा है ना, तो गाइज इसका कर देंगे गो। अगर इसमें रहता कि आपको रोना होगा तो बोलते यू विल हैव टू वीप,
यहाँ पे क्या कर देते, चेंज कर देते। यहाँ पे मान के चले, अगर होता कि तुमको आना पड़ेगा तो बोलते यू विल हैव टू कम, तुम्हें रोना पड़ेगा यू विल हैव टू वीप, तुम्हें सोचना पड़ेगा यू विल हैव टू थिंक, तुम्हें खाना पड़ेगा यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खेलना पड़ेगा यू विल हैव टू प्ले। तो गाइस इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगला लिखा है कि सीता को नाचना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम सीता का सीता लिख लेंगे, उसके बाद पड़ेगा पड़ेगी के लिए विल हैव टू, सीता विल हैव टू, और नाचना का क्या होगा गाइस, तो डांस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि तुम्हें मेरे लिए रोना पड़ेगा, पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यू, अब देखिए पड़ेगा दिया है तो इसका होगा विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, अब देखिए रोना का मीनिंग क्या होगा गाइस, टू वीप हो जाएगा। उसके बाद के लिए क्या होगा फोर, और उसके बाद मेरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे मी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम आगे किसी भी ट्रांसिशन को बना देंगे। तो चलिए हम आपको दो ट्रांसिशन दे रहे हैं जिसको आपको बनाना है। ठीक है, पहला मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे राम को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, राम को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, ये आप बनाइए। दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, जैसे हमने बोला हमें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, हमें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस दे रखा है, इन दोनों सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में भेज देना है। ठीक है, और मैं जब देखूंगा तो आपको दिल का जो बटन है वो मैं आपको दूंगा यदि आपका सेंटेंस सही हुआ तो। और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए ना आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, और मैं डेली आपके लिए बिल्कुल छोटा छोटा जो है वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप खाना खाते समय, देखिए आपको बता रहा हूँ, आप इसके लिए कभी एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं ना उस वीडियो को चला दीजिए और चला करके रख दीजिए और आराम से देखिए। कभी आप सोने जाते होंगे ना, तो जाते ही तो सो नहीं जाते होंगे, उस समय इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चाय पी रहे होते हैं उस समय आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिले 5 से 7 मिनट तो आप जो है उस वीडियो को, यानी जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ या जो भी हमारे वीडियो अपलोड किए गए हैं पहले, आप उसको टाइम निकाल करके देखिए। कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा, और इससे आसान तरीका जो है अब कुछ नहीं होता, इससे आसान तरीका आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आपको मिल रहा है आप उसको देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, और मैं आपको अंग्रेजी जो है बोलना पक्का सिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।